IBN 7 Horsefly. बहुत स्वागत है आपका और इसी तरीके से मुस्कुराते हुए हम स्वागत करेंगे साल 2015 का, क्योंकि जिस चीज की शुरुआत अच्छे से शुभ संकेतों के साथ हो, कहते हैं कि वो चीज बहुत ज्यादा फलती है। और हम ये चाहते हैं कि ये साल आपके लिए आपके घर में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, और यही है हमारी कामना। बस वो खुशियां आएंगी कैसे? बिल्कुल घर बैठे तो नहीं आएंगी, थोड़े से उपाय आपको भी करने होंगे। और कुछ टिप्स देने के लिए मेरे साथ हैं इस देश के जाने माने तीन ज्योतिषाचार्य, जिनसे हम लेंगे अच्छे अच्छे टिप्स, जो कि हमें बताएंगे इस साल का कुछ हैप्पीनेस मंत्र, कुछ घर में बदलाव करने की जरूरत है यानी वास्तु के बारे में हमें वैभवनाथजी बताएंगे। और साथ ही साथ, क्योंकि रंग जो है वो आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा रंगीन बना देते हैं, तो किस तरीके से जिंदगी रंगीन बनाई जाए, कौन सा रंग हमारे लिए होगा अच्छा, अजय मामी जी हमें बताएंगे। नंदिता जी हमारे साथ मौजूद है, जिनके पत्ते हमारी किस्मत के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे आपकी राशि के हिसाब से, आपके पूरे साल को संवारने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नंदिता जी, हैप्पी न्यू ईयर, बल्कि आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। मैं ये जानना चाहूंगी कि मेष राशि की अगर हम बात करें जी, तो क्या बता रहे हैं आपके पत्ते, मेष राशि वालों का भाग्य किस तरीके का रहेगा इस पूरे साल? जी हाँ, सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। आशा करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके घर पे बरकत बसी रहे, खुशहालियां रहे, सक्सेस रहे, पीस प्रोस्पेरिटी रहे। तो इसी नोट पे शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि से, जैसे नवजोत जी ने बोला था। और आपके लिए आने वाले साल में पहला जो फर्स्ट हाफ है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बॉसेस आपके ऊपर कंट्रोल करना चाहें या फिर सिचुएशंस आपके ऊपर डिमांडिंग हो, लेकिन साल के जो सेकेंड हाफ में आपके लिए अचानक बहुत सारी फेवरेबल सिचुएशंस बनेंगी, अच्छे फायदे होते हुए दिखाई देते हैं, आपके कार्यों को सराहा जाएगा, ऑनर्स भी मिलेंगे। लेकिन तिल के मामलों में थोड़ा सा संभल के रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्थितियां बन रही हैं, बाहरी हस्तक्षेप इन मैटर्स ऑफ हार्ट, उसको अवॉइड करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, सेहत आपकी बढ़िया रहेगी। और अगर मैं बात करूं उपाय की कि आप क्या कर सकते हैं ताकि आपका आने वाला साल बहुत अच्छा रहे, तो आपने क्या करना है, मंगलवार को बूंदी चढ़ानी है मंदिर में, और साथ ही साथ आप कोई भी मीठा चीज अगर दान करते हैं या किसी भी प्रकार का दान पुण्य कर लेते हैं, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए, नंदिता जी ने बता दिया है साल अच्छा रहेगा, बॉसेस से थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है, लेकिन कोई बात नहीं, उपाय नंदिता जी साथ ही साथ आपको बता रही है। रंगों की बात करते हैं, अजय जी, वैसे तो सारे रंग सबको प्रिय होते हैं, लेकिन हर किसी का कुछ ना कुछ फेवरेट होता है, पर कई बार ऐसा होता है कि साल हमें संकेत देता है कि आप इस कलर को पहने, तो आप क्या बताएंगे मेष राशि वालों के लिए रंग कौन सा अच्छा रहेगा, लकी बल्कि हम कहें रहेगा? देखिए, जो मेष राशि के रंग होते हैं, मंगल का रंग होता है, उसका रंग तो लाल होता है, और लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि बृहस्पति जो है जनवरी से लेकर और मई तक, बल्कि जुलाई तक थोड़ा सा अनुकूल नहीं है, और शनि भी प्रतिकूल है, तो वो रंग इस्तेमाल करने चाहिए जो आपको ऊर्जा दें, आपको उत्साह दें, और आपको एक नयापन करने को दें। तो मेरे को लगता है कि अगर आप इसमें येलो रंग का, पीले रंग का समावेश करें अपने साथ, और सफ़ेद रंग भी मिलाएं, तो ये रंगों से भी हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। कई बार हम लोग अपना भाग्य रत्न से बदलते हैं या पूजा से बदलते हैं, लेकिन अगर जो कलर थेरेपी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इस्टेब्लिश चीज़ है, और उसको अगर हम करें तो लाल रंग तो ही गया, साथ में सफ़ेद का टिंजो और हल्का सा अगर आप ब्लू भी अपने साथ इस्तेमाल करें, आसमानी रंग, तो इससे ये हो सकता है। और इधर मई के बाद चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी, और ख़ासतौर से जुलाई के बाद बृहस्पति की स्थिति आपकी राशि से पंचम हो जाएगी, तो वो जो साल का जो उत्तरार्ध होगा वो एकदम से बेहतर होगा, और वहाँ पर फिर आप वो भी रंग इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपने कभी ये आपकी एंटी समझी जाती है, जैसे कि नीला रंग है या काला रंग है, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप अपने जीवन को एक रंगीन बना सकते हैं, और रंगों से भी आप अपने को, अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर मान लीजिए आज कोई दिन खराब है, मेरे को उत्साह चाहिए, अगर आज मैं लाल रंग पहनता हूँ तो मैं उत्साह से भर जाता हूँ, और अगर मेरे को शांति चाहिए तो नीला रंग हो, तो उससे भी मेरा एक काफ़ी कनेक्शन है। तो अगर आप रंगों को अपने जीवन से जोड़ेंगे,
इसीलिए अजय जी हमने आपको बुलाया यहाँ पे कि रंगों को शामिल कीजिए हमारे पूरे साल में। वैभव नाथ जी, जी हैप्पी न्यू ईयर। जी आपको भी हार्दिक शुभकामना। बहुत बहुत शुक्रिया। बात तो बताएं मेष राशि वालों का। जी बिल्कुल, आई बिन सेवन के समस्त दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। देखिए नववर्ष की शुरुआत जो है इस बार बहुत ही पावन हो रही है। इस बार इतना अद्भुत संयोग बना है और मैं समझता हूँ हर व्यक्ति को इसका लाभ लेना चाहिए। इस बार गुरुवार की तिथि है और एकादशी, गुरुवार का दिन है और एकादशी की तिथि है, अपने आप में अद्भुत संयोग है और इस संयोग का लाभ हर व्यक्ति को लेना चाहिए। हम लोग जब हिंदू नववर्ष का स्वागत करते हैं, जो हम अपना विक्रम संवत का आगमन करते हैं, तो सूर्यदेव की उपासना करते हैं और उसके साथ साथ उस दिन से हम नवरात्रि पूजन आरंभ करते हैं। इस बार अंग्रेजी नववर्ष में भी अगर हम भगवान विष्णु की पूजा के लिए कुछ समय निकालें तो बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आपको वास्तु टिप्स मैं देना चाहता हूं। मेष राशि वाले जातक लोगों का स्वामी बनता है मंगल और वास्तु के अनुसार मंगल देव जो है वह अग्नि के देवता है और अग्नि का प्रधान होने के साथ साथ वह दक्षिण दिशा के स्वामी वास्तु शास्त्र में बताए जाते हैं। तो आपको करना यह है कि आग्नेय को यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस और उसके साथ साथ अपने घर में साउथ डायरेक्शन में अगर आप एक रेड बल्ब जला दें इस बार, तो मैं समझता हूं कि आपके सौभाग्य के दीपक जल जाएंगे। आपके जीवन में जितना संघर्ष आपने अभी पिछले दिनों झेला है, उन संघर्ष से आपको काफी मुक्ति मिलने की संभावना कही जा सकती है। बहुत अच्छा सहयोग आपको इस उपाय से मिलेगा। तो बस छोटा सा उपाय करना है, अपने घर में साउथ ईस्ट कॉर्नर में, आग्नेय कोण में और दक्षिण दिशा में साउथ डायरेक्शन में एक रेड बल्ब जलाइए। ठीक है नंदिता जी, अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। ये बताएं कौन सा पत्ता खुल रहा है इनकी किस्मत का इस बार साल 2015 में। वृषभ राशि के लिए भी पत्ते खुलते हैं और सबसे पहले जो एक कार्ड आया है वो आया है ट्रैवल कार्ड। और चैरिट का जब भी कार्ड आता है वो बात करता है कि बिना किसी भी कंफ्यूजन के आपको हिम्मत करके आगे बढ़ना है, अपनी राह बिल्कुल आपने तय करनी है। कोई भी इनिशियल डाउट्स होंगे आपके, कोई भी आप काम शुरू करेंगे, स्पेशली अगर आप करियर से रिलेटेड, रोजगार से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, तो शुरू में असमंजस की स्थिति रहेगी, लेकिन घबराएं नहीं, बिल्कुल आगे बढ़े और जितना जोश से आगे बढ़ेंगे उतनी ही सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन कहां पे आपको ध्यान रखना है, परिवार वालों के साथ मनमुटाव ना करें, प्यार मोहब्बत के साथ बात करें, थोड़ा सा खुशियों का तड़का डाल दीजिए, फिर देखें आने वाला साल और कितना सुंदर हो जाएगा जी। और दिल के मामलों की भी अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सेहत से संबंधित आपको ध्यान रखना है इस एरिया में। और उपाय की अगर हम बात करें कि आपको उपाय क्या करने चाहिए, तो आपके लिए जो अभी इस समय हैप्पीनेस मंत्रा बन के आ रहा है टॉरियंस के लिए, तो आपको जो है शनिदेव की थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, उनकी तरफ उनके लिए आपने पूजा अर्चना करनी चाहिए, थोड़ा सा दान पुण्य कर लेंगे तो और ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए हो जाएगा। और साथ ही साथ आपने क्या करना है, चिड़ियों को दाना खिलाना है, जौ के दाने अगर आप खिलाते हैं या चिड़ियों का जो चारा होता है जी सुबह के वक्त में खिलाएं, बहुत शुभ रहेगा। अजय जी रंग कौन सा आप कहेंगे वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा होगा? वृष राशि का जो रंग रहता है वो रहता है सफेद और साथ में हल्का नीला भी रहता है। और रंगों का इस्तेमाल कैसे करना है इस साल में, इसके ऊपर एक अलग से हम प्रयोग कर रहे हैं। तो जो जनवरी से अप्रैल तक का समय रहेगा उसमें बहुत सारे ग्रह आपके पक्ष में हैं और यहाँ पर आप जो भी कार्य कीजिएगा उसमें आपको सफलता मिलेगी, नए नए काम होंगे। तो यहाँ पर आप मनपसंद रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। जब समय अच्छा है तो फिर रंगों में चुनाव जो मन बोले वही चुनाव सबसे उपयुक्त है, तो यहाँ आप ऐसा करें। लेकिन इधर अप्रैल से अगस्त के बीच में थोड़ा सा जहाँ मिश्रण होगा तो वहाँ पर जो ऐसे रंगों का इस्तेमाल करें जो ऑफेंसिव ना हो, जैसे सफ़ेद रंग हर स्थिति में चलता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका रंग भी है हल्का नीला हो सकता है, तो जो लाइट कलर्स हैं अगर आप उनका जो ग्रे है जितने लाइट कलर्स हैं उसमें क्या है कि आदमी अपने से जुड़ सकता है। जब आप अपने से जुड़ सकते हैं तो अपनी समस्याओं के हल भी कर सकते हैं। और जो इधर सितंबर से दिसंबर तक का समय रहेगा वो बेहतरीन समय रहेगा, फिर वहाँ पर रंगों की आजादी है। आप मुझे लग रहा है सभी जातकों के लिए, सभी राशियों के लिए शायद सितंबर के बाद का समय बहुत अच्छा रहने वाला है ना? ना एक्चुअली क्या है कि ग्रह स्थिति कुछ ऐसी है, जुलाई से कुछ अलग है, अप्रैल से अलग है जी। तो उसमें फर्क पड़ता है। तो जब हर राशि से ग्रह जब जिस तरह से कनेक्ट होते हैं वहाँ से चीजें बदलना शुरू होती है। और जब समय आपके पक्ष में है तो मेरा ऐसा मानना है सारे रंग आपके हैं जी। वैभव नाथ जी जी वास्तु टिप।
जी बिल्कुल, वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए मैं ये सुझाव देना चाहूंगा कि आप अपने कमरे में अपने शयन का स्थान आप निश्चित करें, और आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप सोते हैं आपका सिर हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। ये वास्तु का नियम है और वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा लागू होता है। और आपको करना ये है, जब आप सोएं तो साउथ की तरफ अपना सिर करें, नॉर्थ डायरेक्शन में आपका पैर हो, और शुरू के नए साल में शुरू के कम से कम 11 दिन किसी पात्र में, किसी बर्तन में जल रखिए, पानी रखें, और उसमें थोड़ा सा नमक मिला करके अपने सिर के आसपास रख करके सोएं, और सुबह उठ करके इस जल को आप किसी पेड़ में डाल दें। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, जितने भी तनाव, जितनी भी टेंशन की स्थितियां होंगी उसमें आपको बहुत ज्यादा अनुकूलता मिलने लगेगी, सारे टेंशन, सारे आपके दुख और कष्ट दूर होने लगेगा। नंदिता जी, मिथुन राशि। बिल्कुल, मिथुन राशि के लिए भी कार्ड निकाल देते हैं, देखेंगे कैसा रहेगा आपका आने वाला साल। तो आपकी तो बल्ले बल्ले है, बहुत कुछ अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए आने वाले साल में आने वाले हैं। दिल के मामलों में सुखद स्थितियां आपके लिए अनुकूल स्थितियां रहेंगी, विवाह आदि के योग बन सकते हैं, और अगर आपको इफ यू रेडी आई मीन सिंगल एंड रेडी टू मिंगल तो बिल्कुल बात ही क्या है, ये साल बिल्कुल आपके लिए है। वहीं कार्य क्षेत्र में भी उन्नतिकारक स्थितियां बनेंगी आपके लिए, हो सकता है कहीं बिजनेस ट्रिप आप करें, कोई ट्रैवल करें जो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर के आएगा। और जहाँ पे आपको सावधानी बरतनी है वो कहाँ पे है, बच्चों से संबंधित सेहत की तरफ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कभी कभी डिप्रेसिव टेंडेंसीज में आ जाते हैं, इस तरफ आपने ध्यान देना है। अब ये सारा ध्यान तो देना है, उपाय आप क्या करेंगे कि आने वाला साल आपके लिए बहुत शुभ रहे, तो आपके लिए उपाय क्या है, आपने 5 मिनट का ध्यान करना है, यानी कि सुबह के वक्त या शाम के वक्त जो भी एक टाइम आप नियम से निर्धारित कर लें, और आपने ध्यान करना है, सबके लिए ब्लेसिंग्स भेजनी है, और किसी भी अगर कोई स्पिरिचुअल गुरु है या कोई एस्ट्रोलॉजर है जिससे आप गाइडेंस लेते हैं उनसे गाइडेंस अवश्य लीजिए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और भाभी जी, कलर कौन सा यूज करना है इनको? जो बुध राशि का कलर होता है मिथुन का, वो नेचुरल कलर है ग्रीन। ग्रीन तो आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन से जो कनेक्टेड कलर्स हैं उनका भी इस्तेमाल कीजिएगा। ग्रीन से जो कनेक्ट होता है, ब्लू होता है, व्हाइट भी होता है, ऑरेंज भी होता है, और कुछ हद तक येलो भी होता है, तो ये सारे कलर से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय तो बेहतरीन समय है, यहाँ पर गुरु आपकी राशि से द्वितीय चलेगा, शनि पंचम चलेगा, तो ये जो सारी स्थितियाँ हैं आपको नए कामों के लिए प्रोत्साहित करेंगी। जो लोग क्रिएटिव क्षेत्र से हैं, लेखन, साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा, टेलीविज़न, ये जो भी क्रिएटिव क्षेत्र कर रहे हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। और इधर जब हम अप्रैल से मई से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर भी प्रसन्नता का माहौल तो बनता ही है, लेकिन अगर एग्जाम दे रहे हैं तो थोड़ा सा अपने को कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा करना चाहिए, और ये साल बेहतरीन साल है, और यहाँ पर आपकी मन चाही इच्छा पूर्ण होती है, तो ये इच्छा विवाह से संबंधित हो सकती है, जॉब से हो सकती है, विदेश जाने से हो सकती है, और जब समय अच्छा हो तो मेरा मानना है किसी भी राशि के लिए कोई भी रंग का परहेज नहीं है। परहेज तब होता है कि जब समय थोड़ा सा प्रतिकूल हो और आप प्रतिकूल रंग पहनकर तो उसमें कंट्रास्ट हो जाता है, वरना अगर उससे सहमति है रंगों के साथ तो मेरे को लगता है कि हर रंग हर आदमी के लिए बना हुआ है। वैभवनाथ जी, वास्तु टिप दे दीजिए जल्दी से। जी बिल्कुल, मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आवश्यकता ये होगी कि आप अपने घर में उत्तर दिशा में थोड़ी सी साफ सफाई रखा करें, इस बात पर आप ध्यान दें, और घर के उत्तर दिशा में यानी नॉर्थ साइड में आप एक गणेश जी की फोटो या मूर्ति अपने घर में जरूर स्थापित करें, और रोज सुबह या शाम जैसा भी आपको समय मिल जाए वहां पे 2 धूपबत्तियां जरूर लगा दीजिए। इससे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि 45 दिन से लेकर के 90 दिन के अंदर आपके घर में जो भी मांगलिक कार्य या जो भी शुभ कार्य या आपके जो बड़े कामों में बाधाएं आती थी, हर प्रकार की बाधा दूर हो जाएगी, अच्छे अच्छे काम, नए नए खुशखबरी आपको मिलने लगेंगे, बड़े बड़े काम आपके जो रुके हुए थे वो सुचारू रूप से चलने लगेंगे। साल 2015 कैसे चमकेगी किस्मत, कैसे चमकेगा ये साल, हम आपको बता रहे हैं। नंदिता जी हमारे साथ हैं, कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि के लिए कार्ड निकाल लेते हैं, और कर्क राशि वालों के लिए मैटर्स ऑफ हार्ट, दिल के मामले तो काफी पैशनेट मुझे दिख रहे हैं, बहुत अच्छी खुशखबरियां आपको मिलते हुए दिखाई देती हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र और आर्थिक मामलों में थोड़ा सा आपने सावधानी बरतनी है इस तरफ। और आपके लिए हैप्पीनेस मंत्र यानी कि उपाय क्या आप करें ताकि आपके लिए जिंदगी अच्छी रहे, तो सुबह के वक्त प्रातःकाल बिस्तर से उतरते वक्त जब आप पांव अपने नीचे रखते हैं, धरती माँ की ब्लेसिंग लेना ना भी भूलिए और उनको ब्लेस करना भी ना भूलिए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। रंग कौन सा अच्छा है भाभी जी? कर्क राशि के लिए जो महत्वपूर्ण रंग रहता है वो रहता है सफ़ेद, लाल,
ये महत्वपूर्ण रंग रहते हैं, लेकिन ये वर्ष बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत सारे ग्रह अच्छे हैं। बृहस्पति आपकी राशि में चल रहा है, उच्च का चलता है, और शनि पंचम है, बाकी ग्रह अच्छे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये पूरा ही साल बहुत अच्छा है। जो फर्स्ट हाफ में है आपके पर्सनल काम बनेंगे जो आप बनाना चाहते हैं, और सेकेंड हाफ में जो आपके जो लक्ष्य हैं, वो जो लक्ष्य आपने निर्धारित किए हैं, तो पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी दोनों ही तरीकों से ये साल एकदम बेहद खूबसूरत साल आपके लिए बनकर आया है। जी, वास्तु टिप कोई देंगे? जी बिल्कुल, देखिए कर्क राशि वाले जातक लोगों को इस वर्ष करना ये चाहिए कि अपने घर में उत्तर दिशा की तरफ एक छोटा सा आप एक्वेरियम रखें, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में आप एक एक्वेरियम रखें, और उस एक्वेरियम में 9:1 के रेशियो में आप फिशेस डालिए, यानी 9 गोल्ड और 1 ब्लैक, 9 सुनहरी मछलियां और 1 काली मछलियां रखिए। इनको आप फीड करते रहिए, इनको भोजन चारा अपने हाथों से देते रहिए, परिवार के सारे दुख और क्लेश ये समाप्त कर देंगे। सिंह राशि नंदिता जी, सिंह राशि के लिए भी कार्ड निकाल लेते हैं, और सिंह राशि वालों के लिए आपके लिए भी जबरदस्त कार्ड है। जहां तक विवाह आदि के योग है, आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, अच्छी स्थितियों से गुजर रहे हैं, अपनी रिलेशनशिप को एक स्थायित्व देने की बात सोचेंगे, लेकिन आपके लिए कार्य क्षेत्र और आर्थिक मामलों में इस तरफ आपको ध्यान देना है। आपके लिए हैप्पीनेस मंत्रा क्या रहेगा, तो आपने काले तिल जो होते हैं उनको दान करना है सैटरडे को, शनिवार को, और कौओं को और डॉग्स को आपने क्या करना है, रोटी में थोड़ा सा तेल लगा के खिलाना है। ये भी शनिवार को, किसी भी अच्छे शुभ शनिवार से शुरू करें बेहतर रहेगा। अजय जी, रंग बताइए कौन सा पहने? आपके लिए जो रंग है सिंह राशि के लिए वो सबसे बेहतरीन रंग रहता है लाल। सफेद का इस्तेमाल कर सकते हैं, येलो का कर सकते हैं, और ये जो इस साल का जो प्रथम वो है 6 महीने, वो थोड़े से कमजोर हैं क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि से द्वादश में है और शनि भी चतुर्थ में है। इसका मतलब यह है कि मेरा ऐसा मानना है जब भी ग्रह थोड़े से नेगेटिव होते हैं तो आप कुछ ज़्यादा अपने को कंसंट्रेट कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को समझ सकते हैं, अपने भी और ज़्यादा अगर तवज्जो देंगे तो आप इसको समझ सकते हैं। सेकेंड हाफ आपके पक्ष में, फिर आप जो भी कीजिएगा उसमें आपको सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल, देखिए सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए वास्तु टिप ये है कि आपको अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन की जो वॉल है उसको ग्रीन कलर से पेंट कराना है। सिंह राशि के लिए रंग तो लाल होता है, लेकिन आपके लिए जो वास्तु के अनुसार जो आपको उपाय मैं बता रहा हूं उसमें ध्यान रखिए, पूर्व दिशा को आप हरे रंग से रंग करवा लें, और उसमें एकदम मध्य में जो सेंटर ऑफ द ईस्ट हो उसमें सूर्य देवता की एक आकृति लगाइए। बस सिर्फ आपको ये आकृति लगा के छोड़ देनी है, आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपका जो सौभाग्य खो गया था, सो गया था, वो सौभाग्य पुनः जागृत हो गया है। तो एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारे साथ देश के 3 बड़े ज्योतिष आचार्य मौजूद है जो कि आपकी किस्मत चमकाएंगे इस पूरा साल। नंदिता जी के पत्ते बताएंगे कैसी रहेगी किस्मत, वैभव जी हमें घर का वास्तु थोड़ा सा बदलेंगे हमारे लिए, और साथ ही साथ अजय जी हमें बताएंगे कि रंग कौन सा अच्छा रहेगा पूरा साल। बात करते हैं कन्या राशि की। जी नंदिता जी, मैंने कार्ड भी निकाल लिया कन्या राशि वालों के लिए, और कन्या राशि वालों के लिए काफी बेहतरीन स्थितियां जहां तक का बात करें आपके कार्य क्षेत्र और आर्थिक मामलों की। परिवार में कोई समारोह में भी शामिल हो सकते हैं साथ, और आपने उपाय क्या करना है, उपाय के नाम पे यानी कि हैप्पीनेस मंत्र आपके लिए होगा कि अपने पूर्वजों का स्मरण जरूर करें कोई भी कार्य शुरू करने से पहले, और रोज उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, आपके लिए शुभ रहेगा। रंग कौन सा अच्छा है इनके लिए? कन्या राशि के लिए जो नेचुरल रंग है वो है हरा है, और हरे के साथ बहुत सारे रंग अपने आप चलते हैं, लेकिन ये जो वर्ष है वर्ष ही आपके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि बृहस्पति भी अच्छा है आपकी राशि से एकादश में है, और शनि भी अच्छा है तृतीय में है, बाकी जितने ग्रह हैं बहुत ही अच्छे हैं, तो यह वर्ष वो है जो आप चाहते हैं वो होगा। और विदेश से अगर लेना देना है तो वो हो जाएगा, सिंगल है तो विवाह हो जाएगा, घर बनाना है तो घर बन जाएगा, जो भी मेटलिस्टिक आपकी इच्छाएं हैं सारी पूर्ण करने के लिए यह वर्ष। जी वैभव जी, वास्तु कैसा करें घर का? जी बिल्कुल, कन्या राशि वाले जातक लोगों को इस साल आवश्यकता ये है कि आप अपने घर में उत्तर दिशा की तरफ भगवान गणेश को स्थापित करें और उनकी नियमित पूजा आराधना करें, तो मैं कह सकता हूं कि आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। गणेश चालीसा का पाठ आपको शुरू के कुछ महीनों में, कम से कम 3 महीने यदि आप करते हैं तो आपके लिए कल्याणकारी होगा। तुला राशि की बात करते हैं, कैसे चमकेगी किस्मत, पता खुल रहा है, थोड़ा इंतजार कीजिए। जी बिल्कुल, मैंने उनके लिए कार्ड भी निकाल लिए, आई एम गेटिंग मोर एक्साइटेड। बट तुला राशि वालों के लिए ये जो साल है कार्य क्षेत्र में जबरदस्त आपके लिए फायदे होंगे, पार्टनरशिप्स आपके लिए फायदेमंद रहेंगी, लेकिन उसी के साथ साथ मुझे दिखाई देता है कि आर्थिक मामलों में महिलाओं के ऊपर खर्चे अधिक होते हुए दिखाई देते हैं, इस तरह सावधानी बरतें। आपके लिए उपाय क्या रहेगा तुला राशि वालों के लिए, तो तुला राशि वालों के लिए आपने
चंदन और चंदन का टीका लगाना है, केसरयुक्त चंदन का टीका अपने माथे पे, कंठ पे और नाभि पे। और आप ऐसा करेंगे किसी भी शुभ बृहस्पतिवार से करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अजय जी, रंग कौन सा अच्छा है इनके लिए? आपकी रंग जो है वो थोड़ा कंट्रास्ट है, सफेद भी अच्छा है, नीला भी अच्छा है, काला पहने तो भी अच्छा है। ये सारे रंगों का अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो फर्स्ट हाफ रहेगा वहाँ पर थोड़े ग्रहण की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो थोड़ा सा आपको प्रयास करने पड़ेंगे, अपने को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अगर आप बढ़िया से रीऑर्गेनाइज कर लेंगे तो फिर आप जो सेकंड हाफ रहेगा इस वर्ष का वो आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रहेगा और नए कार्य शुरू होंगे, विवाह हो सकता है और घर जमीन आदि से लाभ का योग भी बन रहा है। वैभव जी, वास्तु जी। जी बिल्कुल, देखिए तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी राशि के शुक्र का जो स्थान वास्तुशास्त्र में बताया गया वो साउथ ईस्ट कॉर्नर यानी आग्नेय का कोण शुक्र के लिए भी बताया गया है। तो ऐसे में आपको करना ये चाहिए कि क्रिस्टल बॉल में नमक आप थोड़ा सा अपने साउथ ईस्ट कॉर्नर में रख दें, अगर वहां पे किचन है तो बहुत ही अच्छा होगा। इस नमक को रखने से आपको फायदा ये मिलेगा कि आपके घर में जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या आर्थिक समस्याएं चल रही थी उससे आपको आने वाले वर्ष में मुक्ति मिल जाएगी। जी, वृश्चिक राशि की बात करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और वृश्चिक राशि वालों के लिए जो कार्ड निकल के आए हैं काफी अच्छे कार्ड हैं, हालांकि लीगल मामलों में थोड़ा सा आपको संभल के रहना पड़ेगा, इस तरफ आपने ध्यान देने की जरूरत है आपको। और आपके लिए कार्य क्षेत्र में कुछ नया अगर आप स्किल उसमें डालेंगे, कोई भी नई चीज आप उसमें इम्प्लाई करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। और साथ ही साथ आपके लिए जो हैप्पीनेस मंत्रा रहेगा या उपाय रहेगा तो आपने क्या करना है, तो आपने यहाँ पे खासतौर पर ध्यान देना है स्कॉर्पियोज ने कि आपने हनुमान जी की सेवा करनी, जितना आप हनुमान जी की पूजा अर्चना करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर। रंग कौन सा अच्छा है दीदी? रंग आपके लिए लाल अच्छा होता है, लेकिन लाल रंग जो है एग्रेशन का रंग भी है, और ध्यान भी रखिएगा ऐसा ना हो कि आप इसमें लाल रंग से इतने लाल लालिमा ले लें कि आपको दिक्कत आए। वैसे भी शनि आपकी राशि में चलता है तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं है। बृहस्पति ठीक है तो यह साल थोड़ा संभल के बच के चलना पड़ेगा, फिर आपकी योजनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इसलिए मैंने बोला कि जो आपका रंग है वो तो ठीक है, लेकिन लाल रंग से सिर्फ रंग का ही ताल्लुक नहीं होता, आपके पूरे व्यक्तित्व का ताल्लुक भी होता है। लाल रंग का मतलब होता है एग्रेशन, एग्रेशन को अगर डायनामिज्म में बदल लें तो मेरे को लगता है आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। वास्तु जी बिल्कुल, देखिए वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को करना ये चाहिए, बहुत ही शक्तिशाली वास्तु उपाय आपको बता रहा हूं, आपको करना यह है कि अपने घर में दक्षिण दिशा की तरफ एक पंचमुखी हनुमान का आप स्वरूप ले आएं, चित्र फोटो या मूर्ति आप ला सकते हैं। अगर आप मूर्ति लेकर के आते हैं तो 9 इंच से बड़ी ना हो। बहुत ध्यान से सुनिए, पश्चिम मुखी आपको करना यह है कि पंचमुखी हनुमान को अपने घर में दक्षिण दिशा की ओर स्थापित करना है और रोज शाम को 5 से 7 के बीच में देसी घी का या सरसों के तेल का एक दीपक उनके समक्ष जलाना है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो जीवन में किसी भी प्रकार का दुख का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। धनु राशि नंदिता जी। जी हाँ, धनु राशि के लिए कार्ड निकाल रहे थे और धनु राशि के लिए काफी सारे बदलाव आ रहे हैं आपके लिए इस साल में। पुराने पैटर्न्स आपके खत्म होंगे, नए पैटर्न्स आपके शुरू होंगे, चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, चाहे दिल के मामले हो, परिवर्तन का योग बन रहा है या कार्य क्षेत्र का मामला हो। और जहां तक उपाय की अगर बात है तो आपने क्या करना है, आपने भी चंदन या हल्दी को अपने माथे पे, कंठ पे लगाना है और ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। किसी अच्छे शुभ बृहस्पतिवार से शुरू करेंगे, तीनों चक्र होते हैं माथे पे, कंठ पे और नेवल पे, आपके लिए अच्छी से। रंग कौन सा अच्छा है आपके लिए? रंग तो होता है पीला अच्छा होता है, लेकिन पीले रंग के दो उसके वो होते हैं, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। पॉजिटिविटी ये है कि आप अच्छे अच्छे काम करते हैं और नेगेटिविटी में ये होता है कि आप अपने भीतर ही अपनी सारी चीज़ों को जब्त कर जाते हैं तो आप अपना पूरा प्रदर्शन नहीं कर पाते। वैसे भी बृहस्पति आपका अष्टम भाव में चलेगा प्रथम पक्ष में यानी पहले 6 महीने में जुलाई तक, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऐसा ना हो कि इतने अंदर चले जाएं कि अपने उन कार्यों को ना करें जिनको आप कर सकते हैं। और सेकेंड हाफ आपके लिए बहुत अच्छा है, वहाँ पर आप सारे रंगों का प्रयोग कर सकते हैं और अपने को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। वास्तु टिप क्या है इनके लिए? जी बिल्कुल, धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी राशि के स्वामी भगवान बृहस्पति हैं और वास्तु के अनुसार भगवान बृहस्पति का अगर घर में कोई स्थान होता है वास्तु में तो वो है ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को साफ सुथरा और शुद्ध रखें। अगर वहां पर टॉयलेट है तो आपको प्रयास करना चाहिए कि उसका कम से कम प्रयोग हो, अगर प्रयोग बंद कर देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। वहां उस स्थान पर कोई स्टोर नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो, उस स्थान को साफ
साफ करके शुद्ध करके भगवान शिव या भगवान विष्णु की पूजा आराधना की व्यवस्था अगर वहां कर दी जाए, घर का मंदिर अगर वहां बना दिया जाए, तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य जागृत हो जाएगा, आपको समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन इत्यादि हर प्रकार के सुख और वैभव की प्राप्ति निश्चित होगी। चलिए मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए भी कार्ड निकाले और मकर राशि वालों को इस साल थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। हालांकि बड़ा पैशनेट सा वीक रहेगा आपका, साल रहेगा, काफी सारे चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं, लेकिन संभल संभल के रहना है, कहीं से धोखा मिल सकता है। आपके लिए उपाय क्या रहेगा, तो आपने कोई भी नया काम अगर शुरू करना है तो थोड़ा सा मीठा खाना है, उसके बाद जल पीना है, उसके पश्चात आप काम शुरू करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या फिर सूर्य नमस्कार करें वो भी शुभ रहेगा। जी रंग आपके लिए जो रंग है वो है नीला, और नीला रंग जो है आसमान का रंग है, चारों तरफ नीला रंग व्यापकता का रंग है, और ये वर्ष आपके लिए व्यापक होने के लिए आया हुआ है। वैसे भी शनि आपकी राशि से एकादश में रहेगा और बृहस्पति सप्तम में रहेगा, तो बहुत सारे कार्य होने वाले हैं, जो रुके कार्य हैं वो सारे कार्य बनेंगे। कोर्ट कचहरी में कोई मामला है उसमें सफलता मिलेगी, एग्जाम दे रहे हैं या कंपटीशन दे रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी, और अगर सिंगल हैं तो डबल होने ही वाले हैं, और घर में बच्चा जन्म परिवार में वृद्धि हो सकती है का योग भी बन रहा है। बिल्कुल जी, वास्तु टिप्स। जी बिल्कुल, देखिए आपको करना ये चाहिए कि आप अपने घर की दक्षिण दिशा को साफ सुथरा और शुद्ध रखें, और दक्षिण दिशा की तरफ कहीं किसी घर में खुले स्थान में छत हो सकती है, उसमें सप्तधान्य सात प्रकार के अनाज, जिसे सतंजा भी आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, सतंजा आप पशु पक्षियों के लिए रखें, इससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। वैभव जी, वास्तु टिप तो आप दे रहे हैं बहुत सारे, लेकिन एक एक अगर हम जेनरिक टिप अगर सभी राशि वालों के लिए और साल 2015 की अगर बात करें उस हिसाब से, जैसे पर्टिकुलर हर कोई नहीं कर सकता, कोई एक टिप अगर मैं आपसे पूछूं तो। देखिए घर में किसी भी व्यक्ति के लिए अगर हम वास्तु के दृष्टिकोण से, वास्तु के लिहाज से बात करते हैं, तो घर का ईशान कोण बहुत सेंसिटिव होता है। अगर आपका घर पूरी तरीके से वास्तु सम्मत बना हुआ है और ईशान कोण में अगर कोई दोष रह जाता है, तो वो पूरा परिवार, सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वह पूरा परिवार जो है उन्नति की जगह अवनति को प्राप्त करता है, उनकी प्रोग्रेस रुक जाती है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए अगर इन जनरल हम बात करते हैं, तो घर में नॉर्थ ईस्ट को साफ सुथरा रखिए, शुद्ध रखिए, वहां पे पूजा की व्यवस्था अगर आप नहीं कर सकते तो वहां दो धूपबत्तियां रोज शाम को ऐसे ही जला दिया करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 45 दिन के अंदर इस चमत्कार का अनुभव स्वयं कर सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए दो राशियां बची हैं, आपके भाग्य को भी चमकाएंगे और साल 2015 में करना क्या है आपको ये भी बताएंगे। तो नए साल का स्वागत हम और आप कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इस साल आपकी घर में ढेर सारी खुशियां आए। दो राशियां बची हैं, जल्दी से हम आपको बता दें कि आपको करना क्या है। मकर कुंभ राशि। जी बिल्कुल, और मैंने कार्ड्स भी निकाल लिए हैं कुंभ राशि वालों के लिए, और कुंभ राशि वालों के लिए खट्टे मीठे अनुभव रहेंगे साल भर में। आर्थिक मामलों में आपके लिए बहुत अच्छे फायदे होंगे, बहुत सारे चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं, सेहत भी अच्छी रहेगी, लेकिन दिल के मामलों में कुछ कष्ट हो सकते हैं। उपाय आपने क्या करना है, आपके लिए जो हैप्पीनेस मंत्र है, तो आपने थोड़ा सा अपने यहाँ पे गिफ्ट आदि अगर आप देते हैं, दान में करते हैं किसी को भी, और सेलिब्रेट करते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, तो ये आपके लिए शुभ रहने वाला है। अजय जी, रंग कौन सा अच्छा रहेगा इनके लिए? इनके लिए जो बेसिक रंग है वो तो नीला होता है, लेकिन साथ में काला रंग होता है, और काला रंग वो रंग है जिसमें कोई रंग नहीं चढ़ता, तो ये लोग अपने ही तरीके के होते हैं और बहुत बढ़िया तरीके के होते हैं, क्योंकि इसका संबंध स्पेस से है। और इस बार जो ग्रह हैं अच्छे हैं, बृहस्पति थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो प्रयास करने पड़ेंगे, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, अगर एग्जाम या कंपटीशन आदि में सम्मिलित हो रहे हैं तो आपको और प्रयास करने पड़ेंगे। मानकर मत चलिएगा, जानकर चलिएगा तो अच्छा रहेगा, और सेकंड हाफ जो है काफ़ी पीसफुल रहेगा, बृहस्पति अच्छा हो जाएगा और भी ग्रह ठीक हो जाएंगे, तो वहाँ पर रुके कार्य बनेंगे, और अगर अविवाहित हैं तो विवाह होगा, विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने का मौका भी, न सिर्फ मौका मिलेगा बल्कि सफलता प्राप्त होगी। जी वास्तु कैसा रहेगा दादा? जी बिल्कुल, कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आवश्यकता है कि अपने घर की छत पर आप गंदगी मत इकट्ठा होने दीजिए। अगर आपके घर की छत पर धूल, गंदगी इत्यादि एकत्रित हो रही है, तो समझ लीजिए कि आपके भाग्य पर गंदगी इकट्ठा हो रही है, आपके भाग्य पर धूल जम रही है। तो आपको करना यह है कि हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार अपने छत की सफाई आप ढंग से करें। कुंभ राशि वाले जातक लोग इस उपाय का चमत्कार अपने जीवन में 45 दिन के अंदर अनुभव कर सकते हैं, और आप उस स्थान को साफ करके अगर दक्षिण की दिशा में पशु पक्षियों के लिए चारा और जल की व्यवस्था करते हैं तो आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा। चलिए मीन राशि के बारे में भी बताइए, खोलिए अपने पत्ते।
जी हाँ बिल्कुल, और मैंने मीन राशि वालों के लिए भी कार्ड्स खोल लिए हैं। आपके लिए जो स्थितियां बन रही हैं यहाँ पे, आपके लिए थोड़ा सा प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ परेशानियां आपको एकदम से आ सकती हैं इस साल, आपने ध्यान देना है। साथ ही साथ आपके लिए जो है रिलेशनशिप एरिया में, आपके लिए यहाँ पे जरूर फेवरेबल सिचुएशन है। कार्य क्षेत्र में हल्के से मनमुटाव हो सकते हैं लेकिन धीरे धीरे प्रगति होगी। आपने करना क्या है, हैप्पीनेस मंत्र आपके लिए रहेगा। मीन राशि वालों के लिए स्पेशली हल्दी होती है, कच्ची हल्दी अगर आप लें बहुत ही शुभ है, और आपने चंदन लेना है, केसर योग चंदन, उसका माथे में सेंटर ऑफ योर फोरहेड वहां पे जरूर टीका लगाएं, अच्छे बृहस्पतिवार से शुरू करके लगाएं, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। रंग कौन सा अच्छा रहेगा जी? मीन राशि का जो बेसिक रंग है वो रहता है पीला, और साथ में लाल, बहुत योग, दोनों का योग मिल जाए तो कमाल होता है। वैसे भी ये वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बृहस्पति भी अच्छा है और शनि अच्छा है, बाकी जो और ग्रह हैं वो साथ दे रहे हैं, तो ये एक ऐसा वर्ष है जहाँ पर वो सारे कार्य बनते हैं जो हम काफ़ी लंबे समय से आपने मन में सजोए हुए हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला ये वर्ष है, और इस वर्ष में वो सारी बातें या इच्छाएं पूर्ण होंगी जो आपने काफ़ी लंबे समय से सजो रखी हैं। ये चाहे प्रॉपर्टी से हो, बच्चों के मामले में हो, अपना करियर बढ़ाने के मामले में हो, या आध्यात्म में हो, किसी भी स्थिति में हो, ये वर्ष एकदम बहुत अच्छा है। और घर का वास्तु कैसा रहे? जी बिल्कुल, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी राशि के स्वामी भगवान बृहस्पति होते हैं, और गुरु बृहस्पति के बारे में मैंने बताया कि इनका स्थान जो है, इनके आधिपत्य का क्षेत्र अगर वास्तु में कोई होता है तो वो ईशान कोण होता है। तो पूरे घर के सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अपने आत्मिक सुख और विकास को प्राप्त करने के लिए आपकी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने घर के ईशान कोण को साफ सुथरा और शुद्ध रखें। और आपको मीन राशि वाले जातक लोगों को विशेष तौर पर यह करना है कि एक तुलसी का पौधा और एक तांबे या पीतल के पात्र में जल, खासतौर पर अगर गंगा जल उपलब्ध हो जाए तो ये आप ईशान कोण में रखिए। रोज सुबह तुलसी के पौधे में आप अपने हाथों से जल दें, और ये जो जल आपने रखा था इसको दो दिन में या सप्ताह में एक बार इसको आप बदलते रहें, चेंज करते रहें। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि घर की जितनी भी नकारात्मकता थी वह निगेटिविटी जाने लगी है, परिवार के सदस्यों में प्रेम भाव और बढ़ने लगा है, आपको निश्चित ही सुख और समृद्धि की प्राप्ति इस उपाय से हो जाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ यहाँ पर आए, धन्यवाद। सब लोगों के लिए आपने साल 2015 कैसे शुभ होगा ये बताया, हम भी आपको हैप्पी न्यू ईयर तो कहेंगे और साथ ही साथ हम भी ये कहेंगे, वैभव जी बहुत अच्छी बात आपने कही कि बहुत जरूरी होता है, शुभ संकेत तभी मिलते हैं जब नेगेटिविटी खत्म होती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी लोग कोशिश करेंगे, न्यू ईयर मंत्र भी आप ले लीजिए कि अपने अंदर से नेगेटिविटी खत्म करें और पॉजिटिविटी को लेकर आए। तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद, थैंक यू।